में आप सबका स्वागत है। तो गाइस पहले भी ब्लॉग गाड़ी में स्टार्ट करो या अब भी गाड़ी में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस हम जा रहे थे पहले कमला नगर और नोना साथ में ही, और नोना सो गई पहले और फिर नोना की माँ सो गई, देख रहे हो। तो हम कमला नगर जा रहे हैं, फिर एकदम मेरा ध्यान आ गया यार सामान लाना है। कल जो क्वाड लगेंगे ना वो घर वाले, तो उनके लिए वो जो लॉक वॉक है ना वो लेकर आनी है चटकनी पटकनी सी। तो मेरे एकदम ध्यान आई यार, मेरे को सुबह मिस्त्री आ गया यार, बखत दुकान खुलेगी ना। तो हमने फिर रास्ते में से ही गाड़ी मोड़ ली, क्योंकि कमला नगर तो वैसे ही जा रही है, मतलब कि घूमने बैग वैग से लेने जा रही है, क्योंकि बैग लेने पड़े पड़े। मैं चल, तो फिर एकदम मेरे ध्यान आ गई, मैं यार वो काम भी ज़रूरी है, सुबह मिस्त्री आ जाएंगे। तो मैंने गाड़ी वहीं से घुमा ली, अब हम जा रहे हैं बुराड़ी लॉक लेने गेट के क्वाड के। तो दिखाते हैं आपको भी हम कैसे लॉक ले रहे हैं। ओके गाइस मिलते हैं वहीं पहुँच कर। दोनों माँ बेटा देखे छुपक रहे भैया, कैसे छुपक कर सो रही है कथी जगह यू ये बाहर निकलते ही सो जाओ है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा। तो गुड मॉर्निंग आए, तो सुबह उठ चुके हैं यार भैया हम अपने लिकट के कौ मिलने पे इस मारा, क्योंकि रात को गए हम यार वो मिले ना गेट की दुकान बंद होगी, वो निशी के लोग में देखने को मिला था मैं। और अब मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ, सुबह के 9:30 हो रहे हैं, क्योंकि अब गेट वेट वाला आएगा फिर वो सामान मांगेगा, तो इसलिए मैं लिकट जाऊँ पहले। और यार हालत ख़राब होगी, एक तो पाम मुड़ गया है, ऊपर से मॉफ होगी दस्त लग के भाई, मेरे तो बोली हालत हो रही है, पता ना कहा होगा यार, एकदम तीन बीमारी, पाम मुड़ गया उसमें बहुत दर्द है, रात को मुंह लगा के उसमें सोयो। दूसरा भैया मॉप होगी, तीसरे भैया दस्त लग गए, तो पूरा हाल हुआ पड़ा, बताओ कैसे होगी, कैसे बात बनेगी। और काम करना भी ज़रूरी है, बिगर काम कुछ नहीं है। तो चलो गाइस चलते हैं भैया, और दिखाते हैं आपको भी कैसे कैसे लॉक लाएंगे। ओके देख रहा हूँ मेरा फेस भी कितना छोटा सा लग रहा है, तो बहुत हालत ख़राब हो गया 2-3 दिन में। तो चलो कोई नहीं, मगर अभी दिखवा के आया हूँ मैं मॉफ, गाँव में देखे हैं तो मॉफ दिखवा के अपने एक गिलास पानी पियो बस, और चल दिया अपने गाँव में ले गए। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बापा। ये है मोल्डिंग जो खिड़कों की साइड में लगती है भैया, और दिखा देता हूँ आज कितने काम चल रहा है। परेशान हो गया यार मैं तो, बहुत दुखी हो गया। ये छुट्टी उट्टी का कौन चल रहा, लगी छुट्टी ये रिवाइज छुट्टी देख लो कैसी लग रही है। और ये है भैया सावर, यू है सीट, और बजा देंगे इसकी बीट जो हमारा मिस्टर है। हाँ व्लॉग बनाता हूँ मैं यूट्यूब पे, नाम बता दे अपना, नाम अक्षय कुमार है भाई साहब, इसका काम इसका काम कर रहा हूँ, इसका नाम अक्षय कुमार है भाई, जो वो ना एक्टर मुंबई वाला अक्षय कुमार वही वाला नाम है इसका। और ये काम बहुत खराब करते हैं, कहाँ का पैप कहाँ जोड़ दे रहे हैं ये। और किचन में भैया ये है किचन की, और लगे हुआ गीजर, काम सारा फैला पड़ा। इधर चल रहा गेट का काम, ये देख रहा भाई गेट का काम चल रहा है। और ये है सरमाई का जो लगेगी इसमें गेट में, चौकट से मैच की लाया हूँ ना मैं, ये वाली वो लग जाएंगे जब तक। और शीशा वाला आएगा कल, और बाकी तार वार डल गए हैं, कुछ रह गए हैं। चलो तो मैं टंकी ले आऊँ, टंकी रहेगी यार ऊपर, टंकी रखी जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे, फिर बात करते हैं। ये है वजीराबाद, क्योंकि निशी सुबह से फ़ोन कर रही है, उसके भाई बनी है मिक्स सब्जी है, पेठे की है, छोले है, रायता है, खीर है, पूरी है। तो अभी हम आए हैं, मम्मी ने ₹200 दिए, तो मुझे ₹200 ना तुमको मैं वापसी करूँगा, तो मैं तुम्हें 100 वापसी करूँगा, ठीक है 100 में। क्यों किस खुशी में? ओ माय गॉड, अब तो मत ही बोलो कमाई होगी,
₹500 क्यों? 100 हेलो ना, वो अपनी अपनी बातचीत है ना। अब 100 बच्चों को दे दो, तुमको दे दूंगी मैं 300 ना, तुम मुझे दे दे, मैं तेरी मामी में दे पैसे रख दी। ले भैया नोट इधर को। क्यों? अरे यार सामान लाना है तो इन 500 में नहीं आएगा। दे अरे दे 500 रुपए, 300 रुपए देखे, 500 रुपए तेरी दिखा क्या है। दे अरे दे यार, अरे दिमाग दे, दूध पी लो, दे जल्दी दे, ऐसे हरकत मत करे करो। अबे दे बिजली का सामान लेकर आना, दे दूंगी यार। गाइस ये इतना वो है, देख लो 500 रुपए के मारे सीनियर डगमगा। मेरी हाय लगेगी, दे दो यार, बचेंगी नहीं मम्मी। बोल मैं 200 रुपए दे, चल मैंने 200 रुपए दे, मत कर दे, दे अभी दे, अरे पितरों के पैसे ये तो दे दो। सब पितरों के पैसे ना खाएगी ना, मैं खाऊंगी तुझे तोड़ दूंगी। दे दे दूंगा मैं, दे यार मम्मी। मैंने भी कल अपने 600 रुपए माफ करे नहीं, मेरे को दादा दादी से सबसे ज्यादा तंग करेंगे। दे दे यार, दे दे यार, मतलब मैं दिला के आज वाले दे, अभी क्या, अभी दे, जरूर देख देख लियो, होगा ठीक ही जाएगा, मेरे समझ दिखाई होगा, ये देख ठीक ही जाएगा। अब तो फोन देने पड़ेंगे, ले ला जा अभी, करवा के ला दे दुकान से, 100 ले, 100 भी ले। ना ना ना, अरे सुन सुन ना, तब से चले गए थे वहां पे बिजली का सामान लेने, और वशु को मैंने बुला लिया था अपने पास क्योंकि अब हो रही है मेरी पैकिंग। 3 बैग वहाँ पैक हो गए हैं और सामान यहाँ मेरा रखा हुआ है कि सब पैक होगा, अभी धीरे धीरे हो रहा है, इतनी रज हो रही है। सो गाइज अब 2-3 दिन बचे हैं मुझे बस यहाँ, सो मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो बट इसका हाथ बड़ा तेज लगता है। सो गाइज चलो पैकिंग कर लें, बहुत ज़्यादा पैकिंग करनी है यार, फिर जाके ये वहाँ पे खोल के फिर लगाना है यार, बड़ा हल्का सा काम है, कोई बंदा बुलाएंगे लगवाने के लिए यार सही में। शाम और हम लोग हो रहे हैं रेडी, जीजू ने अपना फोन भिजवाया था वशु के हाथ, बिकॉज जीजू थोड़ा बिजी है काम में क्योंकि अब फाइनली घर फटाफट बनने वाला है, तो जीजू भी चाहते हैं कि सारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, तो उसी के लिए जीजू जल्दी जल्दी सारा काम रेडी करवा रहे हैं। बाकी वशु आज बहुत देर से आई हुई है, हम लोगों ने काफी सारा एंजॉय किया, बट अभी हम लोग अपनी वीडियोज के लिए तैयार हुआ है। वशु ने मेरा इतना प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया, बट चोटी अभी मिसिंग है, वो वशु बना रही है क्योंकि चोटी से और प्रिटी लुक आएगा। एंड प्रेरणा भी यहाँ पे अभी रेडी हो रही है, बिकॉज ये हमारा आप लोगों को भी पता है वीडियोस बनाने का टाइम है, शाम हो चुकी है। मैं सुबह नहा ली थी, मैं आ गई हूँ अपने तैयार होकर, मैंने पहना ये, बट अभी पूरी रेडी नहीं हुई। और ये हमारे आदित्य ब्रो और ये हमारी वशु और प्रेरणा वहाँ तैयार हो रही है, एंड उसके बाद हम लोग मिलते हैं। ले भाई ले, गाइस मुझे फॉलो कर लो, गाइस 1K करवा दो गाइस, प्लीज गाइस गाइस। एकदम हमारे भैया की तबीयत खराब हो गई है एकदम, 2 दिन से हो रही है, तो इसके अभी भैया सुवा लगवाने ले आया हूँ, देख सकते हो। और अभी ब्लड टेस्ट भी होएगा भाई, खून ले लिया होगा, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। और उनके चौधरी साहब बैठे हैं आंसू खटाना, लग जाएगा 15-20 मिनट में। स्वागत है वजीराबाद, और सब गए हैं गुरुद्वारे, मैं और निशी हैं यहाँ पे, पापा कर ले रूम में सो रहे हैं। देखने मैंने इनसे पूछा था कि आपके पास बड़े बच्चों की बैग है, तो उन्होंने ये बैग भेजे ब्लैक और मंगा लगा तो गाइस मैं आज बहुत थक चुका हूँ, हकीकत बताऊँ ना, माँ की कसम खा रहा हूँ। सुबह ब्लॉग स्टार्ट करा है 9 बजे और 9 बजे से यूटे मारा है, कभी कहीं मिस्त्री ने ना भाई ज़िंदगी तबाह कर रखी है मेरी। ये इकट्ठा सामान ना कहते हैं भाई, अब का ये है, अब का वो है, अब का ये है। मिस्त्री कुछ बोल रहा था, कह रहा जो वीडियो बना रहे हो। हाँ वो प्लम्बर वाला कह रहा मेरे को ले दो। तो ना हमारे सारे मिस्त्री कह रहे हैं कि भैया हमारा एक प्रॉपर व्लॉग बना, सारे व्लॉग देखने लगे, उन्हें सब पहले पता नहीं कि हम व्लॉग बनावे। हाँ। अरे भैया आप तो व्लॉग बनाते हो बहुत, तुम मेरे पास मैसेज करते हो ना मैं खुश हो जाती हूँ, पता नहीं क्या मैसेज कर रहा है, इतने सुबह सुबह मेरा फोन आज 11 बजे टूटा होने लगा, मैं सोचा पता ना कि गुड मॉर्निंग बेबी बेबी लिख रहा होगा, 20 नंबर फोन, इंची 200 ग्राम, 17 नंबर 1 इंच बिना सिर वाला, 500 ग्राम, 16 नंबर त्रिशूल बाइट,
व्हाट्सएप पे ही लिख के और इसके द्वारा भेज दूँ। सुबह टूटू हो रहा, मैंने ऊपर देखा मैसेज किया था खड़ूस, मैंने कहा लग रहा है क्या लिख के भेज रहा, जल्दी खोल के देखा 20 ग्राम ये 20 ग्राम वो वो। तो गाइज एक प्रॉपर हम ना पता अपने जितने भी मिस्त्री है उसका व्लॉग बनाएंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर टेल वाले इनको फिटिंग वाले लत जो फिटिंग वाले लगता है फिटिंग बिजली वाले को और प्लम्बर वाले को, तो उसको प्रॉपर वो बना देंगे। अगर किसी अभी टेल पत्थर से रिकॉर्डिंग इंग्लिश में क्यों बोल लूँगा मेरे बोलने जाती हूँ टेल पत्थर को किसी काम करवाना हो, बिजली को काम करवाना हो और ठुट्टी पुट्टी को काम करवाना हो, तो मैं उनके नंबर इसमें अपने व्लॉग में डाल दूंगा। तो आप जो टेल पत्थर वाला हो ना, हकीकत में बहुत अच्छा मिस्त्री हो हमारा जो टेल पत्थर वाला है, और इतना खींच का काम कराया यार 10-15 दिन में आर पार का सौदा। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बापा जी। तो गाइस आज दिखा देते हैं आपको घर फिर से, क्योंकि दिखाया ना सामान वामान बहुत काफ़ी लग गया है। तो ये रसोई का सामान है गाइस, ये सारी जो ये ऊपर की लाइट वाइट सब है वो भी फिटिंग विटिंग हो चुकी है पानी की, यहाँ गीजर लगेगा और सिंक भी कम्प्लीट होगा पैर पैर लग कर है, और बाकी ये वॉश मेसन यहाँ लगवा दिया है बाहर। वॉश मेसन से कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। तो भाई ये बहुत महंगा है, ये मुझे पता है नीचे का, तो नीचे का महंगा ले लिया हमने, नीचे का हिसाब से महंगा ले लिया, क्योंकि हमारे यहाँ से ना हमारे इस एरिया में 5500 रुपये में और 850-800 रुपये में बहुत बड़ा ये मिल रहा है नीचे वाला। यू ठीक है, यू 3000 रुपया का एक किलो इतना जो ऊपर का ये गोल्ड में, और यू भाई 1500 रुपये की एक छोटी है 1500 रुपये की, क्योंकि मैं सारा भाई सामान जैन में ला जो बात है ये टूटी सारी, ये पता है 750-800 रुपये की टूटी है, इनकी गारंटी है 10 साल की। और ये सीट है ब्लैक कलर की, ये आई शायद 7500 की। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगा सको है ना भाई। और बाकी अभी आज फिटिंग विटिंग सारी हो जाएगी, तार वार सब डल गए, इस रूम के तार रह गए हैं, बस कम ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत रहेगा, इसमें भी डल गया थोड़ा बहुत रहेगा, और इधर लकड़ी का काम चल रहा है, एक क्वाड तैयार हो रही है, आज कर देंगे वो क्वाड वाड तैयार। और ये भैया सामान है, ये मैन उसको आया गेट का, कैसा लग रहा है पित्तल का है ये खोलने का, बताना गाइस कमेंट करके कैसा लग रहा है, क्योंकि यार चीज़ ना एक बार लगे बार बार लगती है, और इसमें लॉक वॉक है शायद, हाँ इसमें ही लॉक है वाट के लॉक है, तो सब चीज़ महंगा सौदा लग रहा है यार ऐसी बात ना है। तो गेट वेट भी अब तैयार हो रहे हैं, लग जाएंगे आज, में आज लगा देंगे शायद, ये सरमाई का है ये चीज़ मैंने दिखा रखी है पहले यार। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा जी। गुड मॉर्निंग, तो गाइस मैं सुबह मेरी सुबह होगी, मैं सो गया दोबारा आके, तो जल्दी आ गया ना 6 बजे आ गया वहाँ से, क्योंकि रात को मैं उजरेबाद ही सो गया। तो चलो गाइस अब उठते हैं और भैया देखते हैं फिर अपना काम काज, मिस्त्री विस्तरी आ गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जय बाबा जी।